नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी पत्रा और मैं हूं रजत। दिल्ली स्पेशल है आज। अपने सवाल पूछ सकते हैं कि मार्केट्स रिकॉर्ड हाईस पर हैं, यहां पर तेजी बढ़ रही है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर हो, आपने खरीद लिया हो या फिर खरीदना चाहते हो, तो इस शो का हिस्सा बने। बाजार के दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सुमित बगड़िया साहब टेक्निकल आधार पर आपके शेयरों को आंकेंगे और साथ साथ अविनाश गोरक्षक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो फंडामेंटल नजरिया देंगे आपको। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। साक्षी, आज मार्केट में काफी अच्छा यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या उम्मीद है आगे के लिए? एब्सोल्युटली मृत्युंजय, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हाई लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 9800 के लेवल्स को अभी भी निफ्टी होल्ड कर रहा है। इसी दूसरी तरफ आप सेंसेक्स को भी देखें, 31,831 के करंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड आज बाइंग देखने को मिल रही है, सपोर्टेड बाय लार्जली आईटी स्टॉक्स में आज बहुत ज्यादा खरीदारी है। इसके अलावा ऑटो और बैंक शेयरों में भी आज अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आप लगातार अपने सवाल पूछ सकते हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित बगड़िया हैं, अविनाश गोरखसाकर है। अपने पोर्टफोलियो को रीलुक करने का यही सही समय है। जब मार्केट रिकॉर्ड हाई पर होती है तब आपको क्या बदलाव करने की जरूरत है, ये रणनीति आप जानिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं शो पे, टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए 1-800-103-545, ऑल्टरनेट नंबर है 0120-425-8237। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमने एक सवाल पूछा था, मिस्टर केएल चावला ने पूछा था यह सवाल एक्साइट पर। अविनाश, आपके पास आना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग टू यू। एक्साइट अभी आपको कैसा लग रहा है? काफी ह्यूज मुनाफे पर अभी बैठे भी हुए हैं, आगे चलकर क्या रणनीति रखनी चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि इन्होंने काफी पहले ये शेयर लिया है, तो मेरे ख्याल से इनके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से अगर हम कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो हमको लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY18 काफी अच्छा होना चाहिए। एक्साइड एक वेल नोन बैटरी प्लेयर है जो बेसिकली टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को कैटर करती है, और जिस प्रकार का संकेत मानसून से आया है, जिस प्रकार का एग्री थीम हमने देखा है, हमको लग रहा है कि एक्साइड के नतीजे FY18 के काफी अच्छे रहेंगे। मेरे ख्याल से अगर ये 6 से 12 महीना होल्ड करते हैं तो करीबन 260-270 का टारगेट पॉसिबल है। यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल करे और मेरे ख्याल से तब तक होल्ड करने की राय रहेगी। चलिए होल्ड कीजिए सर, अच्छा मुनाफा और बन सकता है। सनी इससे में मौजूद हैं। सनी नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, पूछिए। सर मेरे पास लुपिन के 5400 शेयर हैं, 1055 से। ठीक है, अच्छे भाव पे खरीदे सर, इसको होल्ड कर सकते हैं क्या? और मेरे पास क्यूकिल के शेयर हैं सर। हेलो, हाँ बताइए सर। दूसरा शेयर मेरे पास क्यूकिल है 203 के रेट में। नहीं, दूसरा शेयर आपने गलत बोल दिया सर, शेयर का एक बार शेयर दोबारा से पूछे। नोसिल बोल रहे हो आप? क्यूपिल। अच्छा, क्यूपिड पूछ रहे हो, ठीक है मैं पूछ लेता हूँ एक बार। सुमित बताएं ये दोनों शेयर्स कैसे लग रहे हैं आपको? लुपिन पे अच्छा मुनाफा और दूसरा शेयर इनके पास क्यूपिड। लुपिन के अंदर देखिए ओवरऑल हमें एक वीकनेस देखने को मिली है। लुपिन अभी इमीडिएटली ऐसा लगता है कि लोअर लेवल से एक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। फ्रेश तेजी इसके अंदर स्टॉक के अंदर तभी देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक ऊपर में एक बार 1200 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा। 1200 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट हो गया तो फिर ये स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 1320 से 1380 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये स्टॉक 1200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक थोड़ा सा सिचुएशन डाइसी है और हमें थोड़ा सा वीकनेस और दबाव देखने को मिल सकता है। इमीडिएट जो रेंज बनी हुई है स्टॉक की वो है 1200 का लेवल ऊपर में और नीचे में 1050-1030 के लेवल्स। इसी रेंज में फिलहाल ये ऐसा लगता है घूमते हुए दिखेगा। जब ये स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा उसके बाद ही इसके अंदर बड़ा मूव देखने को मिलेगा। जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक एक वीकनेस और एक रेंज बाउंड मूव मान के चले। ओवरऑल इनको साल से 1.5 साल का नजरिया तो मिनिमम रखना पड़ेगा फार्मा स्टॉक्स के अंदर अच्छी तेजी के लिए। दूसरा जो स्टॉक था सर क्यूपिड, इसमें वॉल्यूम्स आमतौर पर थिन रहते हैं, ये चढ़ सकता है क्या? देखिए क्यूपिड के अंदर एक स्टॉक के अंदर हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। स्टॉक अभी इमीडिएटली 275 के सपोर्ट के आसपास से घुमा है और अभी 287 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्यूपिड के अंदर हमें तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक 295 का लेवल ऊपर में कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा। जब तक ये स्टॉक ऊपर में 295 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक थोड़ा सा सिचुएशन इस स्टॉक के अंदर भी डाइसी है, तो फ्रेश बाइंग एक बार अवॉइड करें। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस 275 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। तेजी इसके अंदर 295-300 का लेवल टूटने के बाद ही देखने को मिलेगी। जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए हैं वो दोनों ध्यान में रखें, क्लोजली वॉच करें। ठीक है, दिल्ली से राजेश जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार राजेश जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी, मेरे पास हुडको के 200 शेयर आईपीओ की अलॉटमेंट है 58 के भाव से, तो आज ये जैसे काफी ऊपर गया तो इसका मतलब क्या ये बेस बना चुका है 68-69 में और ये ऊपर जाएगा? ठीक है, आपका वैसे लंबी अवधि का नजरिया सर?
नजरिया तो जब अच्छा प्रॉफिट हो गया निकाल दिया, क्योंकि सीडीएस के मेरी गलती हो गई, अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग वाले से निकाल दिया मैंने 272 262। अब इसको रखूं या निकालूं क्या करूं? ओके ओके ओके, अविनाश क्या कहेंगे अभी आगे जाते हुए, ट्रैजेक्टरी कैसी लग रही है हुडको पर, इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल हुडको का है, हमको लग रहा है कि आने वाला साल काफ़ी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट FY18 में बहुत लोन बुक ग्रोथ एज वेल एज जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है वो कम से कम 15 से 20% होगी। मेरे ख्याल से जिस प्रकार का IPO का पैसा आया है, मेरे ख्याल से जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हुडको फाइनेंस करता है, यहाँ पे एसेट क्वालिटी ऑलवेज 100% रिकवरी वाली होती है, तो यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है। ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, हमको लग रहा है कि अगर ये 6 से 12 महीना होल्ड करते तो करीबन 85-90 का स्तर मिल सकता है, तो यहां पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें। चलिए एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुनीत शर्मा जी गुरुग्राम से कॉल किया है। पुनीत जी नमस्कार। मेरे पास फ्यूचर रिटेल है 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 316 रुपीज, बॉट इट अराउंड 2 मंथ्स बैक, तो इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ्यूचर के लिए? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ सुमित, बताएं फ्यूचर रिटेल अच्छे तेजी में है ये स्टॉक, इसको होल्ड करना चाहिए, खरीद 316-320 के आसपास की है? फ्यूचर रिटेल का फ्यूचर ब्राइट है, ये स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक पिछले 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो 125 के लेवल से इसने स्टॉक ने एक वन वे तेजी दिखाई है, जिसके अंदर ये अभी 400 के लेवल्स के आसपास आ चुका है। स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, यहाँ से हमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल ये स्टॉक के अंदर होल्ड करके चलना चाहिए। 350 से 355 के अंदर ओवरऑल मेजर सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से 380 का सपोर्ट है, तो 350-355 पोजीशंस के लिए हो गया, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से 380 का सपोर्ट हो गया। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में स्टॉक जैसे ही 410 का लेवल ब्रेक करेगा तो 440 से 450 के लेवल आने वाले कुछ हफ्तों में हमको देखने को मिल सकते हैं, होल्ड की सलाह रहेगी। होल्ड करने के लिए सलाह दी गई है। हरियाणा चलते हैं, कुलवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार कुलवेंद्र जी, पूछिए। सर मेरे पास 400 शेयर हैं गति के 134 के हिसाब से, और डॉक्टर लाल है 900 रुपए। दूसरा शेयर कौन सा बोला? डॉक्टर लाल पैथलैब, या 900 के भाव पर आपने खरीदारी की है? हाँ जी। बस नजरिया बता दीजिए कितना समय रुकेंगे? मेरे अगर आज बढ़ जाएगा तो मैं आज बेच दूंगा, इंट्राडे के लिहाज से। ठीक है सुमित, क्या सलाह होगी? पहले गति और 134 के भाव पर खरीदारी की है, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स यहाँ पर खरीदारी ऊंचे भाव पर 900 रुपए पर खरीदारी की है। साक्षी, गति के अंदर हमने अभी तक वैसा मूव नहीं देखा है जिस हिसाब से स्टॉक का मूव आना चाहिए। स्टॉक एक रेंज बाउंड मूव के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। इंट्राडे के अंदर तो इट्स डाउट एंड डिफिकल्ट टू से कि 134 का लेवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे डाउट है कि मिलेगा। बट ओवरऑल अगर एक बार हम पोजिशनल व्यू लेके चलते हैं तो स्टॉक के अंदर पोजिशन एक बार होल्ड की जा सकती है, क्योंकि लास्ट 10-11 दिनों में स्टॉक ने एक रेंज बाउंड मूव दिया है और लोअर लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया 120 के आसपास, इंट्रा और शॉर्ट टर्म सपोर्ट है 125। जब तक ये लेवल्स टूटते नहीं है तब तक पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में इमीडिएटली स्टॉक का रेजिस्टेंस है 135, यानी 135 का लेवल टूटेगा उसके बाद हमें 145 से 50 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कुछ हफ्तों के अंदर। फिलहाल पोजीशंस के ऊपर होल्ड रखा जा सकता है, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक है, इतना कोई तेजी का नहीं है, बट स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक है, एट द सेम टाइम वीक नहीं दिख रहा है, इसके लिए पोजीशंस को होल्ड करें। ब्रेकआउट 135 के बाद टारगेट बनेंगे 145 से 150। अविनाश, एक डॉक्टर लाल पैथ लैब्स भी बता दीजिए, इनके पास ये भी होल्डिंग है, इसको होल्ड करें या फिर एग्जिट कर जाएं? नहीं, मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो डॉक्टर पैथ लैब्स तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। पैथोलॉजी बिजनेस में एक काफ़ी बड़ा प्लेयर है, हमको लग रहा है कि यहाँ से अगर ये कम से कम साल डेढ़ साल का नज़रिया रखते हैं तो कम से कम 1000-1100 का भाव मिल सकता है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम विंडो थोड़ा सा बढ़ा दे, क्योंकि ये क्वालिटी प्लेयर है और ये टिपिकल ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। ठीक है, अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। कोलकाता से संजीवन ने हमें कॉल किया। नमस्कार संजीवन जी, पूछिए। नमस्कार मैडम जी, बताइए। मैडम मैं हिंडालको का शेयर लिया था। हिंडालको 198 पर खरीदा आपने? हाँ मैम, आजकल में ही खरीदा है? हाल ही में खरीदा आपने? ए, नहीं मैम, फिर भी 1 महीना ऊपर हो गया मैम। ठीक है, कितना रुकेंगे समय? कितना मैम, शॉर्ट टाइम के लिए लिया, लेकिन 15-20 दिन रुकूंगा। ठीक है, क्या राय होगी आपकी सुमित इस पर?
मेटल स्टॉक्स में ओवरऑल तेजी देखने को मिलेगी। हमने पिछले कई हफ्तों से कहा है कि मेटल स्टॉक मजबूत है और हर गिरावट में हम मेटल स्टॉक के खरीदारी की राय दी है और मेटल स्टॉक में हमें अच्छी एक तेजी देखने को भी मिली है। फिलहाल हिंडालको का जहां तक सवाल है, हिंडालको 200 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसने 3 से 4 बार रेजिस्टेंस फेस किया है और वहां से हमको दबाव देखने को मिला है। यानी सबसे पहले तो हिंडालको को 200 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट देना जरूरी है। जैसे ये स्टॉक 200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 220 से 225 के लेवल हमें हिंडालको के अंदर देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक के अंदर वीकनेस तभी देखने को मिलेगी जब 190 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट होगा। जब तक स्टॉक 190 का लेवल नीचे में टूटता नहीं है तब तक पोजीशंस होल्ड की सलाह रहेगी। 200 का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। ऊपर में टारगेट 220 से 225 के लेवल हमको आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बीपी जिंदल साहब जुड़े हैं दिल्ली से, उन्होंने कॉल किया है। जिंदल साहब नमस्कार, स्वागत है, पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार जी सर, मेरे पास 150 एलएनटी है। अच्छा, 1500 के भाव पे? हाँ 1500 साढ़े 1500 एवरेज, जब भी मौका लगता खरीदते रहते हैं। तो और खरीद सकते हैं क्या सर? हाँ और खरीद सकते हैं, अगर आप राय दो जितना भी मर्जी खरीद सकते हैं। और चलिए ठीक है, बताएं सर अविनाश जी, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और ये एवरेजिंग का फायदा उठा रहे हैं एलएनटी में, इनको एवरेजिंग करती रहना चाहिए क्या? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक अगर इनको एवरेजिंग का फायदा लेना है तो स्टॉक एक्स बोनस जाने के बाद करिए। अभी करीबन कम बोनस प्राइस चल रहा है जो कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था। अगर एक्स बोनस खरीदते हैं तो हमको लग रहा है कि नॉर्मली ब्लू चिप स्टॉक्स में हमने देखा है कि कम बोनस और एक्स बोनस की प्राइस करीबन 6-8 महीने में मोर ऑर लेस इक्वल हो जाती है, और जिस प्रकार का ऑर्डर बुक और प्रॉस्पेक्ट्स एलएनटी के है, हमको लग रहा है कि वापस एक्स बोनस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यू नो इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स ये पाव आ सकता है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी एक्स बोनस होने के बाद करें, जुलाई 17 मेरे ख्याल से रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, हरीश से बात कर लेते हैं, हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं। नमस्कार हरीश जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैं इस वक्त प्रॉफिट बुक करूँ या नहीं, अभी ये कम बोनस चल रहा है। आपने कौन से शेयर्स में निवेश किया है? मैं ये पूछा जा रहा बीपीसीएल के बारे में पूछा जाता हूँ जी। ठीक है, किस भाव पे आपने खरीदा है? ये तकरीबन 200। मुझे आपका भाव सही समय से नहीं समझ में आया, चलिए लेकिन ये तो डेफिनेटली पता है कि आप मुनाफे पर हैं। जान लेते हैं सुमित क्या करना चाहिए, अभी बीपीसीएल में 667 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट में है हरीश, हालांकि मुझे उनका बाय प्राइस नहीं समझ में आया। होल्ड की सलाह रहेगी साक्षी, ये स्टॉक ने एक करेक्शन दिखा के लोअर लेवल से रिकवरी देना स्टार्ट ही किया है। स्टॉक का 200 डीएमए अभी इमीडिएटली 670 के आसपास है। जैसे ही स्टॉक 670 के ऊपर 2 से 3 दिन के लिए क्लोजिंग दे देता है और विद वॉल्यूम्स अगर हमको मूव देखने को मिला तो ये स्टॉक में हमें ऊपर में दोबारा से 700 और 750 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक आने वाले कुछ महीनों के लिए ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, बाय करके चलना चाहिए। अगर प्रेजेंट लेवल से बाई चांस कोई गिरावट आ भी जाती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 670 के ऊपर कन्विंसिंगली अगर ब्रेकआउट मिला और क्लोजिंग देखने को मिली 2 से 3 दिन के लिए तो 700 और 740 के टारगेट होंगे। होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 640 के आसपास। चलिए, प्रमोद जी बेंगलुरु से लाइन पे मौजूद है। प्रमोद जी नमस्कार, स्वागत है, पूछिए सवाल। नमस्कार जी, जी। मेरा जो सवाल है इन्फोसिस पर है, मेरा 700 शेयर है इन्फोसिस पर एट द रेट 947 पे, उसको मैं और 2-3 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, तो मेरे को थोड़ा बताइए कि मैं उसको सेल कर दूं या होल्ड करूं। बहुत बढ़िया लेवल्स पे ले लिया सर, ट्रेडिंग तो आपकी बहुत बेहतरीन हो गई है, अच्छे मुनाफे भी बैठे हैं। सुमित, इसको होल्ड करना चाहिए क्या पोजीशन को, 947 की खरीद है इन्फोसिस पे? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए ये स्टॉक। इनफैक्ट आईटी के सारे स्टॉक्स के अंदर हमें एक हलचल देखने को मिल रही है, लास्ट 2 दिनों में हमने एक अच्छा मूव देखा है। इन्फोसिस उनमें से एक स्टॉक है जो आज भी एक अच्छा मूव दिखा रहा है। ये स्टॉक ने पिछले कई हफ्तों से एक मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 990,000 लेवल्स के आसपास, तो इमीडिएट टारगेट तो इसके यही निकल के आएंगे 1000 के। जैसे ही ये 1000 का लेवल क्रॉस करता है कन्विंसिंगली विद वॉल्यूम्स और अगर हमको क्लोजिंग देखने को मिल गई तो 1080 से 1100 तक के लेवल्स हमें इन्फोसिस के अंदर आने वाले कुछ हफ्तों में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड करके चले, अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट में लगाना चाहते हैं तो 960 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 1000 का लेवल क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक के अंदर फ्रेश स्पर्ट और मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 8 से 10% की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। होल्ड की सलाह रहेगी। All right, hold on to your position on Infosys. लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट का। अंचल हमारे साथ इस खास सेगमेंट में मौजूद होते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी से आपको एक ऐसा शेयर बताते हैं जो कि फंडामेंटल बेसिस पर चुना होता है। आज के लिए कौन सा शेयर है अंचल? शुक्रिया साक्षी, आज के लिए सीमेंट स्पेस से एक शेयर लेकर आए, थोड़ा ऑफबीट शेयर है।
हाइडलबर्ग सीमेंट का शेयर रहेगा जिसपे आपको नजर रखनी चाहिए। देखिए इसको पिक करने के तीन बेसिक कारण है। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स, अगर आप कंपनी के Q4 नंबर्स देखें तो वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 9% बढ़ती हुई दिखी थी, मुनाफे में 50% का जंप रहा था, एक रोबस्ट सेट ऑफ नंबर्स Q1 में कंपनी ने पोस्ट किए थे। साथ ही कंपनी ने हाल में जो पावर प्लांट शुरू किया उससे कंपनी की जो कॉस्ट है वो ऑन एन एवरेज 20 रुपए प्रति टन कम हो जाएगी। तो गोइंग अहेड FY18 नंबर्स में ये जो इंपैक्ट है 20 रुपए प्रति टन का साफ देखने को मिलेगा, मार्जिन इंप्रूवमेंट की उम्मीद की जा रही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी के प्रमोटर्स। कंपनी में प्रमोटर्स की एक साउंड होल्डिंग है, कोई शेयर प्लेज नहीं है, लेकिन इसके अलावा LIC के पास करीब 1.5% शेयर हैं कंपनी के और JP Morgan के पास करीब 2.5% शेयर हैं। तो साउंड प्रमोटर्स हैं, LIC जैसा निवेशक भी मानता है एक अच्छा शेयर है और होल्ड करके इन्वेस्ट करके है इस कंपनी के अंदर, तो वो अपने आप में एक निवेशकों के लिए अच्छा ट्रिगर होता है। अब वैल्यूएशंस की अगर बात करें, मौजूदा कैश EPS करीब 3.5 रुपये की है FY19 के लिए, अनुमानित EPS 7.25 रुपये की और P मल्टीपल महज 18 का। सेक्टर का ऑन एन एवरेज मल्टीपल इस समय 35 से 40 के बीच में चल रहा है। एक ह्यूज अपसाइड अभी भी हाइडलबर्ग सीमेंट में बाकी है, अभी भी काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट कर रहा है। इन्हीं सभी ट्रिगर्स को देखते हुए फर्स्ट ICICI डायरेक्ट मानता है एक अच्छा शेयर हो सकता है मध्यम अवधि के लिए खरीदारी के लिए। 160 रुपये के टारगेट के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं हाइडलबर्ग सीमेंट में। चलिए हाइडलबर्ग सीमेंट को रडार पर रखें, 160 का टारगेट है और एक पोजिशनल बेसिस पे आपको कॉल दी गई है, अच्छी तेजी बन सकती है, ठीक नतीजों से पहले इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव है, वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। शुक्रिया अंचल मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस शेयर पे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक SMS ले लेते हैं गौरव जी का दिल्ली से। इनके पास टाटा कॉफी के शेयर्स हैं, 1000 क्वांटिटी है और जो भाव इन्होंने बताया है टाटा कॉफी वो है 140 का। विनाश, टाटा कॉफी अच्छी तेजी में पिछले कुछ दिनों में 140 की खरीद है, इसको होल्ड कर सकते हैं क्या? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट रजत हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी कॉफी के प्राइसेस में हमने देखी है और जिस प्रकार का इनहेरेंट इंट्रेंसिक वैल्यू टाटा कॉफी का है, काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है और हमको लग रहा है कि अगर ये कम से कम साल भर का नज़रिया रखते हैं तो डेफिनेटली इनको अच्छा मुनाफा होगा। मेरे ख्याल से ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो करीबन 18-20% की अर्निंग्स ग्रोथ स्टैंड अलोन बेसिस पे टाटा कॉफी में मिलेगी, तो मेरे ख्याल से होल्ड करें, यहाँ से कम से कम 15-20% अपसाइड की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 20% और चढ़ सकता है, इसको होल्ड करके रखिए। लुधियाना से संदीप जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग संदीप, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए। मैम मेरे को जाना है भाई, मेरे पास भारतीय एयरटेल के 390-500 शेयर हैं। ठीक है, कितना समय देंगे आप अपने निवेश पर? मैम 1 या 2 मंथ। ओके, अभी सुमित आपको कैसा लगता है, भारतीय एयरटेल ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्लान्स तो डिक्लेयर करे हैं अभी कंपनी ने आगे 3 सालों के लिए? भारतीय एयरटेल बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसने ब्रेकआउट दे दिया है 375 के ऊपर, ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया जिसके टारगेट्स बनते हैं 430 से 440। कल ये स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया था, इसके लिए आज थोड़ा सा हमको इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट आई थिंक 395 से 400 के बीच इसके अंदर दोबारा से बाइंग की जा सकती है और स्टॉक इस बार ऊपर में 410 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो 430 440 के टारगेट्स हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, 440 के टारगेट है इसके, तो वो बहुत जल्दी हमको देखने को मिलने चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक के अंदर जो इमीडिएट सपोर्ट्स बन रहे हैं वो है 390 के आसपास, 390 के स्टॉप लॉसेस के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड की जा सकती है, फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है, 410 और 440 के टारगेट होंगे। चलिए मार्केट रिकॉर्ड लेवल्स पे हैं, कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप बाजार के एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर ले लीजिए, आपकी मदद होगी। मनीष जी इस समय लाइन पे मौजूद है। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी पूछिए सर। मेरे पास लुपिन है 1350 के भाव पे 200 शेयर। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं? 10 साल के लिए मैंने लिया है और 200 शेयर और लेना है मेरे को। अच्छा, तो लंबे समय के लिए, ठीक है। अविनाश बताएं ल्यूपिन कैसा लग रहा है अभी आपको, फंडामेंटल नजरिया लंबे अवधि के लिए? नहीं मेरे ख्याल से आई थिंक रजत लुपिन में अगर ये पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 साल का व्यू मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि FY18 भी काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, मार्जिन्स प्रेशर में रहेंगे, तो मेरे ख्याल से जो नतीजे शॉर्ट टर्म में आएंगे वहाँ पे तो डेफिनेटली नतीजे थोड़े से सॉफ्ट होने की उम्मीद है, लेकिन FY19 अच्छा साल होगा तो मेरे ख्याल से गिरावट पे खरीदे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टॉक 2-3 दिनों में भाग चुका है, 1000-1050 के बीच में अगर ये एक्युमुलेट करते हैं तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बन सकता है। हमारे साथ एक और व्यूअर जुड़ चुके हैं अपना सवाल पूछने के लिए, सिमी लाइन पे SR गोयल साहब मौजूद हैं। गोयल साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी मैडम, मैं सर मेरे पास वार शुगर के शेयर्स हैं। अच्छा, 34 की खरीदी है। ओके, अभी ये 28 समथिंग चल रहा है, कुछ शेयर बेचने हैं या अभी जो कुछ बढ़ेगा? ये 34 बोला ना सर आपने?
34 की खरीदी है मैंने। ओके ठीक है, आपने थोड़े लोअर लेवल्स देख लिए, ये तो अभी थोड़ा सुधरा भी है, नीचे से ऊपर आया लगभग 10-11% पिछले कुछ दिनों में। बताएं अविनाश, ये शुगर स्टॉक्स में आज तेजी है, इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है 34 के लेवल पे, इनको होल्ड करना चाहिए या फिर यहीं पर ही एग्जिट कर जाएं उगार शुगर? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक शुगर के स्टॉक्स में थोड़ी बहुत तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि शुगर में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, प्लस शुगर के प्राइसेस मार्केट्स में बढ़ चुके हैं, तो हमको लग रहा है कि आने वाले जो 6 महीने है वहाँ पे अच्छे नतीजों आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। मेरे ख्याल से अगर 6 to 8 months होल्ड करते हैं तो थोड़ा सा मुनाफा अच्छा बन सकता है। मेरे ख्याल से करंट लेवल पर होल्ड करें, लेकिन मेरे ख्याल से नेक्स्ट 6 months में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। ठीक है, राजकोट से महेश जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। महेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल अविनाश जी से है। ठीक है, मेरा सूद लोन और धनलक्ष्मी बैंक में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि 2 quarters से उसके नतीजे अच्छे थे, इसीलिए क्या राय है उसकी? लंबे समय के लिए रुकेंगे? हाँ हाँ, ठीक है। अविनाश जी आप ही से जानना चाहते हैं, फॉलो करते हैं महेश जी आपको, धनलक्ष्मी बैंक और सूजलॉन दोनों के बारे में जानना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से क्या सही समय होगा निवेश करने के लिए? आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो ये दोनों शेयर्स में से मैं सूजलॉन को चुनूंगा। सूजलॉन में डेफिनेटली टर्न अराउंड देखने को मिला है और हमको लग रहा है कि आने वाले अगर 2 साल के लिए ये निवेश करते हैं तो डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा अपसाइड मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आई थिंक नॉट ओनली वर्किंग कैपिटल बट ओवरऑल डेट को भी लेके कंपनी ने काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए हैं, ऑर्डर बुक भी अच्छी बढ़ी है, तो करीबन 2 साल का नजरिया रख के सूजलॉन में करंट लेवल्स पर निवेश कर सकते हैं। रही बात धनलक्ष्मी बैंक की, तो साक्षी मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि ये बैंक काफी समय से टेक ओवर कैंडिडेट है, यहाँ पे नंबर्स कोई ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 1-2 quarters वेट करने के बाद ही निवेश करें तो ठीक रहेगा। चलिए एक और व्यूअर जुड़ चुके हैं अब, पंकज जी इन्होंने कॉल किया। पंकज जी नमस्कार, पंकज मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। चलिए लगता है इनका जो SMS वही ले लेते हैं हमारी टीम के पास जो आया था। 429 शेयर्स हैं, ICICI बैंक के खरीद है, 263 यानी कि मुनाफा हो रहा है सुमित, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं मिले ICICI बैंक में, क्या इसको होल्ड करें पोजीशन अभी? ICICI बैंक के अंदर से ओवरऑल एक अच्छा मूव हमको देखने को मिलेगा, स्टॉक 290 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक जैसे ही 300 के ऊपर जाएगा तो हमें 325 से 330 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स और बैंकिंग के बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है, तो वो देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी ही देखने को मिलनी चाहिए। ICICI बैंक में जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो है 285 के आसपास, जब तक ये 285 तोड़ता नहीं है तब तक कोई घबराने वाली बात लग नहीं रही है। एट द सेम टाइम स्टॉक ऊपर में जब 300 तोड़ेगा उसके बाद हमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो यस एब्सोल्युटली फ्रेश एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए और फ्रेश लॉन्ग करने की भी सलाह रहेगी फॉर इमीडिएट अपसाइड टिल 300 एंड देन वी विल सी मूव टिल 320-325 लेवल्स। ठीक है, कोलकाता चलते हैं, सौरभ जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार सौरभ जी, पूछिए। नमस्कार मैडम जी, बताइए कौन से शेयर्स हैं? मैंने BSE के शेयर्स लिए रखे हैं, अराउंड 750 क्वांटिटी है और मेरा एवरेज प्राइस अराउंड 1060 है, मुनाफे में तो है। और मेरे को ये भी पूछना है मैडम, कंपनी ने जो अपने जो 3rd quarter के रिजल्ट में डिविडेंड जो डिक्लेयर किया था उसकी वो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने तक दी नहीं है, तो कब तक वो डिविडेंड क्रेडिट हो जाएंगे हमारे अकाउंट में? ठीक है, अविनाश क्या राय होगी अभी आपकी BSE पर और इनकी क्वेरी पर भी क्या राय देंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक डिविडेंड कब क्रेडिट होगा ये कहना मुश्किल है, आई थिंक रिकॉर्ड डेट ये BSE या NSE के वेबसाइट चेक कर सकते हैं, बट ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट्स अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने CDSL का IPO किया था तो यहाँ पे अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग इनको मिली है। CDSL का शेयर ने बहुत अच्छी तरह से IPO पे लिस्टिंग गेन्स इन्वेस्टर्स को दिया है, इनफैक्ट BSE ने भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें बिजनेस का तो BSE का मॉडल बहुत ही स्ट्रांग है, मार्केट नया हाई टच कर रहा है तो वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे और BSE में डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा, तो करीबन 1250-1300 का टारगेट के कम से कम नेक्स्ट 12 टू 15 मंथ्स के लिए होल्ड करें, यहां पे लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे। चलिए धरा जी से मैं लाइन पे मौजूद हैं दिल्ली से, धरा जी नमस्कार। नमस्कार सर। हां जी पूछिए सवाल। DLF लिया है मैंने 2197 पर, होल्ड करें या बेचें? अच्छा नजरिया बता दें सर, कितने समय तक रुक सकते हैं आप इस स्टॉक में? 6 महीने तक। 6 महीने, ठीक है सुमित बताएं 6 महीने के लिए DLF कैसा लग रहा है आपको?
रियल्टी स्टॉक्स में एक मजबूती लग रही है, रियल्टी स्टॉक्स में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक्स ने पिछले कुछ महीनों में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है, बट अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि स्टॉक में यहाँ से कोई दबाव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट डीएलएफ ऐसा लगता है कि ये यहाँ से स्टॉक 225 और 240 तक के लेवल दिखा सकते हैं आने वाले 6 महीनों के अंदर। स्टॉक में प्रेजेंट लेवल्स पे अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, इसके अंदर बाइंग की जा सकती है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशंस को होल्ड करके चलना चाहिए। स्टॉक ऊपर में जैसे ही 215 के लेवल्स क्रॉस करेगा तो हमें 225 और 240 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी शॉर्ट टर्म में शायद 8 से 10 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है, होल्ड करके चलना चाहिए। ठीक है, दीपक जुड़े हैं हमारे साथ बोकारो से, इन्होंने हमें कॉल किया है। नमस्कार दीपक जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हेलो दीपक जी, पूछिए कौन से शेयर्स खरीदे हैं। हाँ जी, जनरल के फंड है मेरे पास 102 शेयर। भाव बताइए। जेनरिकेशन है 102 रुपए के रेट में, 300। ठीक है अविनाश, जेनरिकेशन अभी आपको कैसा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए? आई थिंक जेनरिकेशन के शेयर में इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनिशिएटेड मेजर्स कंपनी ने लिए है, स्पेशली वर्किंग कैपिटल और अपना डेट कम करने के लिए नॉन कोर एसेट्स भी बेचे हैं। अगर ये कम से कम साल डेढ़ साल का नज़रिया रखते हैं तो मानसून का तो फैक्टर डेफिनेटली प्ले आउट होगा, प्लस माइक्रो इरीगेशन में जिस प्रकार की गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है इसको भी फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करें, मेरे ख्याल से नियर टर्म में 130-135 का टारगेट प्राइस लेके ये होल्ड कर सकते हैं। स्नेहल जी जुड़े पूना से, स्नेहल नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरे पास ऊर्जा एनर्जी की 3000 शेयर थे। अच्छा, भाव बता दीजिए बस। 35.30 ऊपर की खरीद है, रुक सकते हैं क्या इसमें? हाँ रुक सकता हूँ मैं। चलिए ठीक है, अविनाश बताएं ओजास एनर्जी, इनकी खरीद थोड़ी हाई लेवल्स की है, क्या करना चाहिए? 35-60 की खरीद है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक में इन्होंने ऊपरी लेवल पे जरूर खरीदा है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा टाइम होराइजन लंबा रखते हैं करीबन नेक्स्ट 12-18 मंथ्स, तो डेफिनेटली जिस प्रकार का बेनिफिट सोलर एनर्जी में आने वाला है और जिस प्रकार का इनके कंपनी के प्रोजेक्ट्स है, ये डेफिनेटली बेनिफिट कर सकते हैं, लेकिन टाइम होराइजन थोड़ा लंबा रखिए। मे बी इन द शॉर्ट टर्म थोड़ी सी वॉलिटिलिटी मार्जिन और टॉप लाइन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, पार्थ जुड़े हैं हमारे साथ पंजाब से, इन्होंने हमें कॉल किया है। नमस्कार पार्थ, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मैडम आरपीजी लाइव है 100, प्राइस बताइए। 400 रुपए 400 में। ठीक है, लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल मैडम। ठीक है सुमित, टेक्निकल लॉन्ग टर्म पैटर्न क्या कह रहा है, अभी रुकना चाहिए क्या? 400 की खरीद है आरपीजी लाइव में। 100 आरपीजी लाइफ के अंदर ये स्टॉक में एक वीकनेस देखने को मिली है, लास्ट कुछ महीनों में हमने वीकनेस देखी है और लास्ट 3 हफ्ते के अंदर ये स्टॉक ने एक रेंज बाउंड मूव दिया है, जिसके अंदर स्टॉक ने 415 का ऊपर में रेजिस्टेंस, 415-420 का ऊपर में रेजिस्टेंस फेस किया है और नीचे में जो सपोर्ट मिला है वो है 360-365 के आसपास। अभी इसी दायरे में घूमता हुआ लग रहा है स्टॉक, इधर साइड ब्रेकआउट हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने नीचे में 360 के लेवल तोड़े तो फिर ये स्टॉक वीकनेस दिखाएगा 300 के लेवल तक, तो इनको ध्यान में रखना है। 360 इनका स्टॉप लॉस है, मेजर सपोर्ट है। एट द सेम टाइम स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस बना है वो 420-425 के आसपास है, वो लेवल टूटने के बाद ही स्टॉक के अंदर फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 475 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये ऊपर के और नीचे के लेवल नहीं टूटते तब तक स्टॉक इसी रेंज में घूमेगा। चलिए ठीक है, प्रधान जी वडोदरा से इस लाइन पे मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपने सवाल पूछ सकते हैं सर। मेरे पास स्टरलाइट टेक्नोलॉजी से। कौन सा स्टॉक बोला सर? स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है, भाव बताएं और नजरिया बताएं, कब तक होल्ड कर सकते हैं? नहीं अभी तो मैं 6 महीने और रुक सकता हूँ। ठीक है, कब खरीदे थे, कौन से स्तर पर? ये मैंने खरीदा था बाजार से, नहीं खरीदा, मुझे स्टरलाइट में से इसमें से डाइवर्ट हो क्या है। राइट ठीक है, अविनाश बताएं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को होल्ड कर सकते हैं क्या, इनके पास अच्छी क्वांटिटी है इस स्टॉक की? नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल से इनका तो निवेश बहुत पहले है किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से इनको तो नेक्स्ट 6-12 मंथ्स अगर ये होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार का ऑप्टिक फाइबर में इसका इनका बिजनेस मॉडल है, मेरे ख्याल से कम और 20-25% स्टॉक बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से होल्ड करें, ये डेफिनेटली 6-12 मंथ्स में अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अपसाइड की यहाँ पर उम्मीद है, होल्ड करके चल सकते हैं स्टरलाइट टेक को। अजीत जुड़े हैं हमारे साथ अब फोन लाइन पर। नमस्कार अजीत जी, पूछिए। नमस्कार मैम, मैं कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। अजीत जी बताइए।
मैंने सिग्नेट कंपनी के 12 रुपए प्राइस से शेयर लिए हैं 1000, और नितिन फायर जो कंपनी उसके मैंने शेयर लिए 2300 रुपए के भाव से 300। मुझे नितिन फायर तो समझ में आ गया आपका शेयर, एक और शेयर बताइए। सिग्नेट ठीक है, दोनों पर कितना लंबा नजरिया रखते हैं और अभी मुनाफे में है क्या? नहीं अभी तो डाउन ही है। डाउन चल रहा है दोनों में, ठीक है सुमित। अभी नितिन फायर और सिग्नेट दोनों पर ही क्या करना चाहिए? साक्षी, नितिन फायर के अंदर स्टॉक में हमने एक वीकनेस देखी है, स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, इसके अंदर कोई भी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के अंदर अगर कोई भी पुलबैक आता है तो निकल जाने की सलाह रहेगी। स्टॉक ने अगर 8 रुपये का लेवल टूटा तो फिर ये स्टॉक और भी खराब हो जाएगा, जिसके अंदर हमें नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। तो हमारी तरफ से इसके अंदर फिलहाल कोई भी सलाह नहीं है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को थोड़ा भी पुलबैक आता है तो निकल जाए, 8 रुपये का स्टॉक के अंदर सपोर्ट है। दूसरी तरफ सेम केस सिग्नेट के साथ भी है, ये स्टॉक भी वीकनेस में ही है, कंटिन्यूस हमने दबाव देखा है, बट लास्ट कुछ दिनों से ये स्टॉक में एक हलचल देखने को मिल रही है जिसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम हमको देखने को मिला है। 8.50 रुपए ये स्टॉक का सपोर्ट बना हुआ है, ये लेवल टूटा तो ये स्टॉक के अंदर भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। ऊपर के अंदर अगर ये स्टॉक ने 11 रुपए के ऊपर अगर कोई मोमेंटम दिखाया तो शायद हमें स्टॉक के अंदर 14 से 15 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है, वहां पर ये स्टॉक के अंदर भी निकल जाने की सलाह रहेगी। हमारी तरफ से कोई भी फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक के अंदर भी। चलिए, गौरव जी दिल्ली से लाइन पर मौजूद है। गौरव जी नमस्कार, बताइए क्या खरीदा मार्केट में आपने? गौरव जी सुन पा रहे हैं मुझको? तो अपना सवाल पूछिए सर। चलिए एसएमएस लेना होगा, 400 क्वांटिटी है। हाँ जी गौरव जी पूछिए। रेन इंडस्ट्रीज खरीदा सर 110 पे? हाँ जी सर, मेरे पास रेन इंडस्ट्री के शेयर हैं। हाँ, एट द रेट 110 रुपए, 400 शेयर हैं। ठीक है, कब तक? मेरा 3 to 6 months का व्यू है, तो क्या मुझे होल्ड करना चाहिए? ठीक है, बताएं अविनाश, इनको होल्ड कर सकते हैं क्या? ये मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदा रेन इंडस्ट्रीज। नहीं, आई थिंक डेफिनेटली होल्ड करें, क्योंकि रेन इंडस्ट्री सीपीसी बनाती है जो बेसिकली एल्यूमिनियम सेक्टर में यूज़ किया जाता है, और हाल ही में हमने देखा है कि Q4 के नतीजे रेन इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी स्ट्रांग थे। इनफैक्ट आने वाला जो पहला क्वार्टर FY18 का रहेगा वो भी काफ़ी स्ट्रांग होने की उम्मीद है, तो यहाँ पे होल्ड करें। मेरे ख्याल से कम और एक 15-20% की अपसाइड इवन फ्रॉम करंट लेवल्स पॉसिबल है। होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है, और भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक का अमित जुड़े हैं, पुणे से कॉल किया है। नमस्कार अमित, पूछिए। अमित क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बताइए। यस मैडम, या मेरा पास मैडम दो शेयर है, वन इज रिलायंस कम्युनिकेशन व्हिच आई हैव टेकन अराउंड 36 2200 शेयर, एंड सेकंड इज मन्नापुरम, आई हैव टेकन 500 शेयर द प्राइस ऑफ 94। ठीक है, नजरिया बता दीजिए लॉन्ग टर्म। ठीक है सुमित, अभी रिलायंस कम्युनिकेशन पे तो नुकसान हो रहा है, 35-36 के भाव पर खरीदारी की है, ऑलमोस्ट 10 रुपए का नुकसान है, यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए प्लान भी सबमिट किया है लेंडर्स को कंपनी ने। और दूसरा मन्नापुरम फाइनेंस, यहाँ पर क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी? आरकॉम के अंदर एक स्टॉप लॉस लगा ले 20 रुपए के आसपास का, अगर इस बार स्टॉक उसके नीचे गया तो हमें 15 रुपए तक के या 14 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर एक पुलबैक देखने को मिला है, इसके अंदर 20 रुपए के या 21 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशंस को एक बार होल्ड करें। स्टॉक ऊपर में जैसे 25 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो शायद 32 से 35 रुपए तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, वो केस में जब भी ये पुलबैक देखने को मिलता है तो ये ऊपर में एग्जिट करें, 20 से 21 रुपए आसपास का इसका स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि उसके नीचे गया स्टॉक इस बार तो बहुत वीकनेस दिखाएगा, जिसके अंदर 15 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 25 के ऊपर जाने के बाद ही 32 से 35 रुपए तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है, नजरिया रखना पड़ेगा 3 से 6 महीने का। दूसरी तरफ मन्नापुरम अच्छा काउंटर है, ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके रखना चाहिए, ये स्टॉक तेजी के अंदर है, यहाँ से एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है, 105-110 रुपए के ऊपर ये जब भी सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो ये स्टॉक के अंदर वहां से हमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 140-150 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो मन्नापुरम के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में शायद हो सकता है कोई थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, जिसके अंदर 7 से 8 रुपए का फॉल हमें देखने को मिल सकता है, बट घबराने वाली बात नहीं लग रही, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, 105 के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब हो गया 140 से 150 का टारगेट आने वाले कुछ महीनों के लिए। चलिए प्रमोद जी से बात करते हैं, दिल्ली से उन्होंने कॉल किया है। प्रमोद जी बताइए, सवाल बताइए सर, कौन सा ट्रेड किया मार्केट में? ठीक है, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, 93 की खरीद है, मेरे को समझ में आया। RCF कैसा लग रहा है अविनाश? 93 की खरीद है, हायर लेवल्स की है।
नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक लंबा नजरिया रखे, क्योंकि फर्टिलाइजर में हमने देखा है कि जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि अगले महीने से ये शुरुआत होगा। मोर इम्पॉर्टेंटली, अच्छे मानसून होने के कारण हमको लग रहा है कि एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ FY18 अच्छे नतीजे के नंबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल में ये शेयर को खरीदना बेचना चाहिए। मेरे ख्याल से डेफिनेटली अभी इस प्राइस पे नहीं, बट जैसे ही स्टॉक राइज होता है वहां पे बिकवाली की राय रहेगी। ठीक है, हमारे साथ गुजरात से समीर जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार समीर जी, पूछे। हाँ जी, मेरे पास ये टायर्स हैं, 170 शेयर्स है 1520 के रेट के ऊपर। थोड़ा भी नुकसान तो हो रहा है, कुछ समय दे सकते हैं अपने निवेश पर? हाँ जी, एक महीना जैसा रुक सकते हैं, एक डेढ़ महीना जैसा, या फिर आप जैसे सजेस्ट करें। ठीक है सुमित, अभी तो नुकसान हो रहा है, लेकिन एक से दो महीने में क्या आपको लगता है लॉसेस यहीं पर रहकर रिकवर हो पाएंगे? 1920 की खरीद है सीएट पर। यस एब्सोल्युटली, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है रिकवर होने की, क्योंकि टायर स्टॉक्स मजबूत के अंदर मजबूती में है और सीएट उनमें से एक ऐसा काउंटर है जिसने बहुत अच्छी मजबूती दिखाई है। आने वाले समय में ये मजबूती मेंटेन करेगा, 2000 का इमीडिएट टारगेट होगा इस स्टॉक के अंदर। जब भी ये स्टॉक 2000 का लेवल कन्विंसिंगली क्रॉस करेगा विद वॉल्यूम्स के साथ, और अगर उस समय पे अगर कोई न्यूज भी अगर आ जाती है पॉजिटिव स्टॉक से रिलेटेड, तो ये 2250 से 2300 के लेवल्स भी दिखाएगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर। फिलहाल 1950 से 2000 के इसके टारगेट होंगे। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 1840-1850 के आसपास। ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है, इसके लिए होल्ड की सलाह रहेगी। दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से ही अशोक ने हमें कॉल किया। गुड मॉर्निंग अशोक, पूछिए। हेलो जी अशोक, बताइए। ऐसा है, मेरे पास टाटा स्टील के 300 शेयर है मेरे पास, और मैंने 588 में खरीदे थे ये 2010 में। ठीक है, अब कितना तो समय और देंगे? ऑलरेडी काफी आप रुक चुके हैं और अभी भी लॉसेस में 557 देख रहे हैं अभी। मैं तो इसको कितने साल भी दे सकता हूँ, मैं आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है अविनाश, क्या सलाह होगी? टाटा स्टील पर 588 का भाव से खरीदारी की हुई है। नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक मेटल का साइकिल डेफिनेटली टर्न हो चुका है और हमको लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी समय से ये शेयर होल्ड किया है। मेरे ख्याल से अगर ये नेक्स्ट 6 to 12 months होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली अपने लॉसेस रिकवर करने की एक्सपेक्टेशन मुझे लग रही है, और होपफुली जो Q1 के नतीजे आएंगे FY18 के वो काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। बहुत इंडियन एज वेल एज यूरोपियन ऑपरेशन अच्छा मुनाफा दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से होल्ड करें, कम से कम 6 to 12 months का नजरिया रखें। डेफिनेटली 590-600 का टारगेट प्राइस लेके ये होल्ड कर सकते। चलिए अंकित जी से बात करते हैं, इन्होंने कॉल किया है दिल्ली से। अंकित जी नमस्कार, पूछिए सवाल। सर, IDBI बैंक है, 2000 क्वांटिटी, और इसके अलावा ल्यूपिन में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता करना था, कैश लेवल भी ले सकते हैं बाद में। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले IDBI बैंक को एड्रेस कर लेते हैं। 76 ही खरीदा सर, न्यूज फ्लो तो अभी डेवलप हुआ है, बहुत पहले खरीद लिया था आपने IDBI बैंक। चलिए मैं पूछ लेता हूँ एक बार, अविनाश बताएं, IDBI बैंक अभी न्यूज फ्लो तो है यहाँ पर मर्जर के खबरों के चलते, लेकिन एक तो IDBI बैंक पे इनका नजरिया है, मैं समझता हूँ कि एक साल तक होल्ड कर सकते हैं क्योंकि पोजीशन फंसी हुई है, और दूसरा है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ल्यूपिन कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि IDBI बैंक में अगर कोई ट्रिगर आता है तो वो गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट ट्रिगर रहेगा, जो पहले भी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को इनवाइट कर सकती है। तो आने वाले 6 से 12 महीने में ये ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नेक्स्ट 3 to 12 months में आता है तो आपको एक अच्छी रिरेटिंग IDBI बैंक में देखने को मिलेगी। नंबर्स तो अभी भी मुझे लग रहा है कि 1-2 quarters थोड़े से खराब आएंगे, और इतना पेशेंस तो इन्वेस्टर के पास होना चाहिए कि वो अपनी पोजिशन होल्ड करे अगर ये इवेंट ट्रिगर उसको प्ले आउट करना है। लुपिन के लिए मेरे ख्याल से क्लियरली इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो 1050-1060 के यहाँ पे अगर कोई एक्युमुलेट करता है और थोड़ा लंबा निवेश के बारे में अगर इन्वेस्ट करता है तो ही पैसा बन सकता है। ठीक है, राजस्थान से अरविंद ने हमें कॉल किया है। गुड मॉर्निंग अरविंद। अरविंद जी क्या आप सुन पा रहे हैं? ऑलराइट अरविंद। हाँ जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं, कौन से शेयर्स हैं? वालचंद है मैम, मेरे पास वालचंद। किस भाव पर खरीदे हैं? 168 मैम, 3000। ऑल राइट, 168 के लेवल्स पर। सुमित क्या राय होगी? स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है, अगर ये स्टॉक ने नीचे में 155 का लेवल टूटा तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा, जिसके अंदर 140 के लेवल तक दिखा सकता है।
एक तो इनको ध्यान में रखना है कि 155 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक के अंदर इमीडिएटली तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये 168 के ऊपर सस्टेन करता है। अगर स्टॉक ऊपर में 168 का लेवल ब्रेक कर पाता है तो फिर हमें ये स्टॉक ऊपर में 180 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इनको जो दो लेवल ध्यान में रखना है वो है 165-167 ऊपर में और नीचे में 155 का सपोर्ट। 155 के बाद तो स्टॉक के अंदर अच्छी वीकनेस देखने को मिलेगी, तो 155 के स्टॉप लॉस एक बार होल्ड करें। मोमेंटम 165 का लेवल ऊपर में ब्रेक होने के बाद ही देखने को मिलेगा जो स्टॉक की प्राइसेस को 180 के लेवल तक लेके जा सकता है। 167 तोड़ दिया तो तेज हो जाएगा, 155 तोड़ दिया तो वीक हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। मनोज जी वेस्ट बंगाल से इसमें लाइन पे मौजूद हैं। मनोज जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ जी सवाल पूछिए सर। सर मेरा गोदरेज प्रॉपर्टी 520 का भाव में 40 दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए है वो। हाँ एक बार भाव फिर से बता दीजिए सर। 520 चलिए ठीक है। हाँ बताएं अविनाश, 520 के भाव पे गोदरेज प्रॉपर्टीज थोड़ा सा नीचे है अभी, इसको होल्ड करें क्या? आई थिंक मेरे ख्याल से इनको अगर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स का नजरिया लेना है तो होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से नंबर्स तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी स्पेस में काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स इनके लाइंड अप है और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में तो प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं ही, बट नेक्स्ट दो क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट फाइनेंशियल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक फटाफट से एसएमएस देख लेते हैं। मुंबई से राम का ही एसएमएस है, टेक महिंद्रा पर जानना चाहते हैं। 1000 शेयर्स हैं इनके पास, 410 के लेवल्स पर खरीदारी की है। सुमित टेक महिंद्रा पर क्या राय है? आईटी स्टॉक्स में हमें एक हलचल देखने को मिल रही है, सभी आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा है। आई थिंक टेक महिंद्रा भी ओवरसोल्ड है, इसके अंदर भी यहाँ से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर फिलहाल पोजीशंस होल्ड करने की सलाह रहेगी। 400 का लेवल जैसे ये कन्विंसिंगली ऊपर में ब्रेक करेगा तो उसके बाद हमें इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है और सेक्टर भी अच्छा है। थोड़ा सा समय इनको जरूर देना पड़ सकता है बट ओवरऑल होल्ड की सलाह रहेगी। मनोज जी दिल्ली से इन्होंने एसएमएस किया है और मनोज जी का सवाल है कि इनको खरीदारी करनी है दीवान हाउसिंग में या फिर क्रॉम्पटन ग्रीव्स में। अविनाश दोनों में से बेहतर आपको कौन सा लगता है, दीवान हाउसिंग या फिर क्रॉम्पटन ग्रीव्स? नहीं मेरे ख्याल से आई थिंक दीवान हाउसिंग काफ़ी अच्छा विकल्प लगता है। अगर ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की बात करते हैं तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लग रहा है कि दीवान हाउसिंग में अच्छा मुनाफा बन सकता है इवन फ्रॉम द करंट लेवल। यहाँ से कम 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो डेफिनेटली एक अच्छा अपसाइड आएगा मेरे ख्याल से करीबन 501। ठीक है, रागिनी जुड़ी है अब हमारे साथ दिल्ली से। नमस्कार रागिनी, बताइए कौन से शेयर्स हैं? हाँ जी मैं जीएमआर खरीदना चाहती हूँ। खरीदना चाहती हैं करंट लेवल्स पर, लॉन्ग टर्म के लिहाज से या ट्रेडिंग के लिए? नहीं नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, एक डेढ़ साल दो साल में रुक सकती हूँ। ठीक है, सुमित क्या राय होगी जीएमआर इंफ्रा पर? होल्ड की सलाह रहेगी। जीएमआर इंफ्रा में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम ये स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक अभी एक 10 दिनों या 20 दिनों का व्यू भी लेंगे तो लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखा के थोड़ा सा करेक्शन दिखाए, स्टॉक के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। इमीडिएटली स्टॉक यहाँ से ऊपर में 22 रुपये का लेवल दिखा सकता है, जैसे ही 22 रुपये का लेवल तोड़ेगा तो ऊपर में 25 से 28 रुपये तक का भी मूव हमको देखने को मिल सकता है। प्रेजेंट लेवल से 1-1.5 रुपये की गिरावट संभव है बट ओवरऑल एक बार होल्ड की सलाह रहेगी क्योंकि स्ट्रक्चर इसका वीक नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव हो चुका है और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऐसा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है तो एक बार पोजीशंस को होल्ड करें। 17 रुपये इसका मेजर सपोर्ट लेवल है, वो जब तक टूटेगा नहीं तब तक पोजीशंस को होल्ड, ऊपर में 22 और 25 का टारगेट। चलिए गौतम जी से बात करते हैं, झारखंड से इस समय लाइन पे मौजूद हैं। गौतम जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सवाल हमारा 38 रुपया 20 पैसा के भाव से हमारे पास भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर है। अच्छा, इसी शो पे थोड़े दिन पहले भी यहाँ पर सवाल पूछा गया था भंसाली इंजीनियरिंग, आपकी खरीद बेहतर लेवल की है सर, होल्ड कर सकते हैं क्या? हाँ होल्ड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अविनाश बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी बन गई स्टॉक में भंसाली इंजीनियरिंग पे, इन लेवल्स पे क्या होल्ड करना चाहिए स्टॉक को? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट रजत ये दो कंपनीज है जो ABS बनाती है और मेरे ख्याल से भंसाली इंजीनियरिंग में ऑलरेडी डेट फ्री बैलेंस शीट है। अगर हम ऑपरेटिंग रिटर्न रेशियोज देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, इन्होंने अच्छे भाव पे एंट्री की है तो मेरे ख्याल से कम 6-8 महीना अगर ये होल्ड करते हैं तो करीबन 85-90 का टारगेट प्राइस मिल सकता है, तो करीबन डेफिनेटली होल्ड की राय रहेगी। ठीक है, होल्ड कर सकते हैं आप अभी भी अपनी पोजीशन को और प्रॉफिट्स यहां से कमा सकते हैं, भंसाली इंजीनियरिंग पर पोजीशन बनाए रखिए। चलिए अविनाश बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। सुमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास शो में मौजूद रहने के लिए। वक्त चला है आपका बाजार को यहीं समेटने का, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन कल 10 बजे हम आपके साथ जुड़ेंगे गुजरात स्पेशल लेकर।